जारी रही सटडाउन कोरोना संक्रमण बढ़ु सरकार तरफ गत काली राज्यर सब् सहरांचल सप्ताहत सटडाउन घोषणा करहर में अति जरूरी काम थे लोक बाहर नचे घरे रही नियम को मानुं तेज यह समय गरीब लोक खाद्य अभाव देखाई सहर किसी स्वेच्छासेवी संगठन मैंने आगे आशेषकर एससीबी मेडिकल और आचार्य हरिहर कैंसर हस्पिटाल को बहु रोगी आसुचार सटडाउन जारी रही रोगी और संपर्क खाद्य जगाई मुहरे हस फुटाई स्वप्न फाउंडेशन आज सका स्वप्न फाउंडेशन पक्षर रोगी और अटेंडेंट को जलखिया और मध्यान्ह खाद्य पुड़िया बंटा जाएसह कोविड नियम मानवास नाइट कर्फ्यू और सटडाउन कटक मानवाक समस्त सचेतन कर स्वप्न फाउंडेशन सदस्य बर्षे पूर्व एभली भाव सटडाउन और लॉकडाउन घोषणा कर बहु दूर दूरातर बहु लोके घर को न जापारी कटक रही जाते अनुष्ठान पक्षर खाद्यपेय बंटन कर ही सेवा जारी रही वर्तमान कोरोना भयावहता को आख्याकर रखी एभली निष्पत्ति अनुष्ठान पक्षर समाजसेवी अभिमन्यु दास स्वप्न फाउंडेशन अध्यक्ष सुधांशु पात्र समेत बहु वरिष्ठ सदस्य समाजसेवी उपस्थित रही खाद्य बंटन प्रक्रिया सामिल होते महामारी समस्त भर्ती करा पड़ी बहुत दुखद टाइम यही समय परस्पर को सहयोग करने स्पेसिफिक आम मान स्वप्न फाउंडेशन रोगी मान प्रति जो सहानुभूति अच्छी तो रबुदिन लॉकडाउन थी किंतु सचेतनता समस्त मास्क पिंधतु सचेतन रुहतु सोशल डिस्टेंस मेंटेन करन सैनिटरी रुहतु आम समाज एवं समस्त विश्व बहुत बहुत दरकार वर्तमान कोरोना महामारी तार द्वितीय लहरी में भयावह रूप नहीं तो राज्य सरकार तरफ साप्ताहिक सटडाउन घोषणा करूँ सब बड़ प्रोब्लेम हूँ जो मैंने दूर दूरांतर मेडिकल को आसुच्च ट्रीटमेंट दुकान बजार बंद रोचे तो पाखे खाद्यर बहुत गुड़ी अभाव रोचे और से प्राय टाइम भोकिला रोचान केवल मेडिकल नुह रास्ता कड़े जो मैंने बासहीन लोक अच्छा से पाखे खाद्यर अभाव रोचे पाखे खाद्य पहुंचा स्वप्न फाउंडेशन बर्तमान अंटा भिड़ी और प्रति शनिवार रविवार सका आरंभ हो एससी मेडिकल कैंसर वार्ड में जलखिया दि जाऊँगी खराब रास्ता कड़े जो मैंने रोचान से भात डालमार व्यवस्था कटक्रु बलराम नायक रिपोर्ट कामयाब टीवी।